वेलकम टू डिप्लोमा ऑनलाइन क्लासेस। रेलवे एनटीपीसी की जो है वो जो है वैकेंसी आ चुकी है, जिसमें 35,277 सीटें हैं। इसके बारे में बेसिक जानकारी हम लोग देखते हैं क्या क्या है। देखिए, जो इसकी ओपनिंग डेट है फॉर्म भरे जाने की, रजिस्ट्रेशन करने की, वो 1/3 मतलब कि 1 मार्च से जो है रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन स्टार्ट हो गया है। इसकी क्लोजिंग डेट होगी 31/3, 31 मार्च को जो है इसका रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट होगा। और फीस पेमेंट का जो है 5 तारीख, और फुल फॉर्म सबमिशन का 12 अप्रैल तक रहेगा। इसका जो एग्ज़ाम होने की डेट संभवतः जो है जून और सितंबर में होने की है। आगे देखते हैं आगे क्या चीज़ होगी। एप्लीकेशन जो फीस लगेगा वो जनरल के लिए है 500 रुपये, और जो है एस सी एस टी के लिए जो है 250 रुपये, और जो है गर्ल्स के लिए जो है 250 रुपये। और इसमें होगा क्या, जब 500 रुपया सबमिट करेंगे, अगर आप एग्ज़ाम देने जाएंगे फर्स्ट स्टेज का, तो आपको 400 रुपये 400 जो है रिफंड हो जाएगा। अगर आप एग्ज़ाम नहीं देंगे तो आपका पैसा वापस नहीं होगा। इसी प्रकार से जो है एस सी एस टी के लिए भी है और गर्ल्स के लिए भी है। अगर वो एग्ज़ाम देने जाते हैं फर्स्ट स्टेज का, CVT 1 का, तो उनका जो है फीस जो है फुल फीस रिफंड हो जाएगी, 250 रुपये रिफंड हो जाएगी। आगे देखते हैं क्या है। वैकेंसी डिटेल्स, टोटल वैकेंसी जैसी बताएं, 35,277 सीटें हैं, जिसमें जनरल के लिए 15,131, ओबीसी के लिए 8,712, और ईडब्ल्यूएस के लिए 3,510, एससी के लिए 5,127, एसटी के लिए 2,787 सीट है टोटल। आगे देखते हैं आगे क्या है। एज लिमिट, एज लिमिट क्या, जो एज का कैलकुलेशन किया जाएगा वो किया जाएगा 1/7/2019 से किया जाएगा, और मिनिमम एज 18 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम जो है 30 वर्ष होनी चाहिए। इसके साथ साथ जी साथ साथ जो एज में रिलैक्सेशन मिलता है वो मिलेगा एज पर रूल। आगे देखते हैं, देखिए यहाँ पर जो है जो पोस्ट वाइज जो है 10+2 के लिए, 10+2 के लिए मिनिमम जो है 50 मार्क होने चाहिए। इसमें जो है जो 10+2 पे भरे जाएंगे वो पोस्ट यहाँ पर है, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए 4,319 सीट है, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए जो है 760 सीट है, जूनियर टाइप कीपर के लिए 17 है, और ट्रेन क्लर्क के लिए है 592 है, और जो है सीसी एंड टीसी के लिए जो है 4,940 सीट है। ये जो सीटें हैं वो जो है 12th वाले भर सकते हैं, 10+2 वाले भर सकते हैं। आइए देखते हैं कि ग्रेजुएशन बेस के लिए बैचलर डिग्री के लिए कौन कौन से पोस्ट अप्लीकेबल हैं। तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि फर्स्ट जो है ट्रैफिक असिस्टेंट है, गुड्स गार्ड है, सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क है, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है, जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट है, सीनियर टाइम कीपर है, कॉमर्शियल अवेंटिस है, और स्टेशन मास्टर है। तो इन सब पोस्टों के लिए जो है केवल जो है बैचलर डिग्री वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। आइए थोड़ा सा सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो CVT फर्स्ट का सिलेबस रहेगा, उसमें जो टोटल जो है 90 मिनट का पेपर होगा, 90 मिनट का मतलब 1.5 घंटे का पेपर होगा, और उसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें जनरल अवेयरनेस से 40 क्वेश्चन होंगे, और मैथमेटिक्स से 30 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग से जो है 30 क्वेश्चन होंगे। टोटल 100 क्वेश्चन 1.5 घंटे में होगा। इसके साथ साथ ही इसमें निगेटिव मार्किंग 1/3 होगा, निगेटिव मार्किंग। और जो है ये जो है ये पेपर जो है सबके लिए कॉमन है, कॉमन फॉर आर्ज नोटिफाई पोस्ट, मतलब सभी के लिए जो CVT फर्स्ट जो है कॉमन होगा। और जो है CVT फर्स्ट क्लियर करने के बाद CVT 2 में जो लोग सिलेक्ट होंगे, पोस्ट के 20 गुना लोगों को बुलाया जाएगा CVT 2 को देने के लिए। और जो है जिस प्रकार से ALP और टेक्नीशियन में था, उसी प्रकार से इसमें भी रखा गया है, 40% जनरल के लिए, 30% OBC SC के लिए जो है मिनिमम पास होने के लिए, CVT फर्स्ट पास होने के लिए
पाना अनिवार्य रहेगा। आइए सेकंड में देख लेते हैं, सेकंड में क्या होगा जब फर्स्ट वाला क्लियर हो जाएगा। तो उसमें देखिए इसका भी टेस्ट जो है 90 मिनट का ही होगा, बट इसमें जनरल अवेयरनेस जो है 50 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स 35 क्वेश्चन और जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग से 35 क्वेश्चन, कुल जो है 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे CVT 2 में। CVT 1 में 100 क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, CVT 2 में जो है 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यह है बेसिक जानकारी जो है NTPC की वैकेंसी आई है उसकी, उस पे।